दादागिरी की भी एक सीमा होती है और निजता की हत्या करने के मामले में अब फेसबुक के स्वामित्व वाले इंस्टेंट मैसेजिंग मोबाइल एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी के जरिए वो सारी सीमाएं लांघ दी हैं। ऐसे में अब ये मांग उठने लगी है कि भारत में ना केवल व्हाट्सएप अपितु फेसबुक को भी बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय जनता की निजता की खुल्लम खुल्ला धज्जियां उड़ाने पर आमादा हो चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये सारी बातें कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने एक पत्र के जरिए मोदी सरकार से की है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर पूरे विश्व में असंतोष और गुस्सा है, जिससे फेसबुक भी जूझ रहा है, क्योंकि इसने निजता के उल्लंघन करने की पराकाष्ठा पार कर दी है। ऐसे में भारत की सर्वोच्च संस्थाओं में से एक CAIT ने केंद्रीय कानून एवं IT मंत्री रविशंकर प्रसाद को लिखे अपने पत्र में व्हाट्सएप और फेसबुक को पूरी तरह से बैन करने की बात की है, जिससे भारतीयों की निजता पर किसी भी तरीके का डिजिटल हमला ना हो, क्योंकि वर्तमान समय में लोगों की सारी जानकारी और डेटा उनके डिवाइसेस में संग्रहित होती है। CAIT ने केंद्रीय मंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा, सरकार को व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति को तुरंत रोकना चाहिए तथा व्हाट्सएप और उसकी मूल कंपनी फेसबुक पर तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। भविष्य के खतरे को लेकर पत्र में लिखा गया, भारत में फेसबुक के 20 करोड़ से भी ज्यादा उपभोक्ता हैं। अगर उपभोक्ताओं के डेटा तक इसकी पहुंच हो जाती है तो इससे अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। CAIT ने इस दौरान एक प्राथमिक स्तर का उदाहरण देते हुए इस पूरे घटनाक्रम को ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत की पदतंत्रता से जोड़ा है। पत्र में संस्था ने लिखा, ये हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के उन दिनों की याद दिलाता है। कंपनी ने नमक का व्यापार करने के लिए भारत में प्रवेश किया और देश गुलाम हुआ, लेकिन वर्तमान समय में डेटा ही अर्थव्यवस्था एवं देश की सामाजिक संरचना के लिए महत्वपूर्ण है। बिना किसी शुल्क के वे फेसबुक और व्हाट्सएप का उपयोग करने के लिए भारतीयों को पहले सुविधा देने के पीछे उनका असली मकसद अब सामने आ रहा है। CAIT के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भारतीय एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, व्हाट्सएप की बदली हुई प्राइवेसी पॉलिसी व्यक्ति की निजता का अतिक्रमण है, अब भारत के संविधान के मूल बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध है। सरकार को इस मुद्दे पर तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर CAIT का कहना बिल्कुल सही है। मार्क जुकरबर्ग के व्हाट्सएप और फेसबुक सर्विसेज ने लोगों को लती बना दिया है। ऐसे में कंपनियां आर्थिक लाभ कमाने की योजना में हैं और लोगों की जानकारियों में ट्रांजैक्शन से लेकर IP एड्रेस तक की डिटेल्स तक कंपनी के पास जा सकती है। ऐसे में लोगों का भड़कना भी शुरू हो गया है, क्योंकि लोग व्हाट्सएप की दादागिरी से गुस्से में हैं। लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा है कि व्हाट्सएप द्वारा अकाउंट बंद होने से पहले ही लोग खुद इसे डिलीट कर रहे हैं। यूजर्स हाइक, सिग्नल जैसे मैसेजिंग एप्लीकेशंस की तरफ रुख कर चुके हैं, जिसका सीधा नुकसान व्हाट्सएप को होगा। इसके बावजूद भारत में एक बड़ा वर्ग इस डिजिटल ज्ञान से दूर है, जिसके चलते लोगों की निजता का व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी कंपनियां हनन कर सकती हैं। इसलिए अब देश केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करते हुए इन फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी सभी एप्लीकेशंस पर टिकटॉक की तरह प्रतिबंध लगा देना चाहिए।